हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बंगाली साड़ी ड्रेपिंग। तो यहां पर देखिएगा, वाइट कलर की साड़ी के साथ मैं आपको ये लुक दिखा रही हूं। वाइट कलर की साड़ी रेड कलर की बॉर्डर के साथ, इसका लुक बहुत सुंदर आता है और ट्रेडिशनल लुक में इसी तरीके का होता है। सो यहाँ पर साड़ी का फर्स्ट राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है और साड़ी के जो पल्लू के प्लीट्स है अब मैं वो बना लूँगी। यहाँ पर जो साड़ी का सेकेंड राउंड हम लेते हैं उस तरीके से नहीं लेना है। फर्स्ट राउंड लेने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर हम साड़ी के प्लीट्स बना रहे हैं। दोस्तों, और एक बात, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस को नोटिफिकेशंस को आप मिस ना कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से पल्लू के जो प्लीट्स है वो मैंने बना लिए हैं और सेफ्टी पिन लगाकर मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ, अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ ये जो बॉर्डर होती है थोड़ी सी स्ट्रेट होती है। सामने की तरफ से भी हम देखते हैं तो साड़ी की जो बॉर्डर है वो स्ट्रेट हमें दिखाई देती है और उसी तरीके से हमें चाहिए, इसीलिए मैंने इसको सेफ्टी पिन लगाकर सेट कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साड़ी का जो नॉर्मल पल्लू हम लेते हैं उसी तरीके से मैंने लिया है और लेफ्ट वाले शोल्डर पर डालते हुए इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे के जो प्लीट्स हैं वो बना लेंगे। तो यहाँ पर प्लीट्स बनाते वक्त हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड हमने कम्प्लीट किया है सो यहाँ तक मैंने उसको टक कर दिया है और टक करने के बाद देखिएगा वही हमें पोर्शन लेफ्ट थोड़ा सा राइट साइड में लेकर उसको टक कर देना है, यानी कि बॉक्स प्लीट्स इसके बनाने हैं। थोड़े से चौड़े चौड़े प्लीट्स हम इसको कह सकते हैं, बॉक्स प्लीट्स यानी थोड़े से चौड़े प्लीट्स, यानी कि 3-4 प्लीट्स ही हमारे यहाँ पर बन जाएंगे, सिर्फ 3 प्लीट्स या 4 प्लीट्स। अभी ये साड़ी बड़ी है तो मेरे 4 प्लीट्स बन रहे हैं। आपकी साड़ी अगर छोटी होगी थोड़ी, क्योंकि इसका ब्लाउज पीस निकाला नहीं है, तो यहाँ पर मेरे 4 प्लीट्स बन रहे हैं। सो इस तरीके से बॉक्स प्लीट्स हमें बना लेने हैं और अच्छे से इसको हमें कमर में टक कर लेना है और एकदम से इजी है ये ड्रेपिंग, ज़्यादा वक्त इसको नहीं लगता और बहुत सुंदर लुक भी हमारा आता है। सो इस तरीके से ये प्लीट्स सारे हमारे आने चाहिए और अच्छे से इसको कमर में टकरना है ताकि प्लेन लुक हमारा सामने की तरफ से दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिएगा ये 4 प्लीट्स हमारे यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको टक कर दूँगी और नीचे से भी हमारे जो प्लीट्स है वो अच्छे से और एक जैसे आने चाहिए, सिर्फ हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक सेफ्टी पिन मैंने लगाई थी, क्योंकि जब पल्लू हम बनाया था मैंने तब लगाई थी, वो निकाल दी है और ये वाला जो पोर्शन है उसको अब मैं पीछे की साइड में लूँगी और इसको कमर में टक कर दूँगी। इस तरीके से हमें इसको कमर में टक कर देना है। सो इस तरीके का लुक हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे से भी इसका लुक बहुत सुंदर लगता है और एकदम ईजी वे में हमारी जो साड़ी है वो ड्रेप हो चुकी है। यहाँ पर जो प्लीट्स हमने पीछे के साइड में पोर्शन टक किया है सो इसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से लुक दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा ताकि हमारे थोड़े से रिंकल्स वगैरह यहाँ पर दिखाई दे। अब जो पल्लू के प्लीट्स है और उसको हमने पिन लगाई थी उसको मैं निकाल दूँगी और इसको पीछे की साइड से लेते हुए हमें सामने की तरफ लाना है और हमारे राइट वाले शोल्डर पर यहाँ पर इसको हम इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाकर इसको टक कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे और हमारी जो पल्लू है वो इस तरीके से दिखाई देगा और बहुत सुंदर लुक हमारा इस पर आता है और बहुत सुंदर ये लगता है। तो इस तरीके से हमारी जो ड्रेपिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है। आई होप गाइज यू विल लाइक इट, एन्जॉय इट। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा लुक आया है। मैंने आपको ये ट्रेडिशनल वे में दिखाया है, मैं आपको मॉडर्न स्टाइल में ड्रेपिंग दिखाने वाली हूँ जो कि सेकंड स्टाइल है। सो वो भी आपको पसंद आएगी। तो देखिएगा इस तरीके से हम इसके जो पल्लू है वो यहाँ पर सेट करेंगे और इस तरीके से हमारा जो फाइनल लुक है वो दिखाई देगा। बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छा भी दिखाई देता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो पल्लू के प्लीट्स को हमने सेफ्टी पिन लगाई थी वो निकाल दूंगी और ये जो पल्लू हमने बनाया था तो इसको मैं इस तरीके से साड़ी की जो बॉर्डर है, साड़ी के जो पल्लू के प्लीट्स हमने बनाए थे वहाँ पर यहाँ पर साड़ी के बॉर्डर के नीचे हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये एक अलग तरीके का लगेगा और लुक भी हमारा बहुत सुंदर लगेगा। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सो इस तरीके से मैंने इसको वेयर कर लिया है। अब मैं आपको सेकंड स्टाइल दिखाना चाहूँगी। तो साड़ी का फर्स्ट राउंड यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जो साड़ी का पल्लू का पोर्शन है वो हम लेंगे और इसके मैं सारे प्लीट्स बना लूँगी। पल्लू के प्लीट्स बनाकर अच्छे से इसको हम सेट कर लेंगे, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे
और ये रैपिंग बंगाली का ही अलग वर्जन है, मॉडर्न वर्जन है, ये भी आपको पसंद आएगा। सो इस तरीके से सेफ्टी पिंस लगाकर मैंने इसको सेट कर लिया, और सेट करने के बाद अब मैं लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल दूँगी। देखिएगा यहाँ पर भी सामने से ही हमने पल्लू डाला है, पीछे से एक राउंड लेते हैं उस तरीके से नहीं लिया है। अब बंगाली रैपिंग जो हम बॉक्स प्लीट्स बनाए थे उस तरीके से नहीं बनाना है। यहाँ पर अभी मैं सिंपल से हम जिस तरीके से प्लीट्स बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर मैं प्लीट्स बनाऊंगी, और प्लीट्स बनाकर इसको अच्छे से सेट करेंगे। और ये जो प्लीट्स है यहाँ पर काफ़ी लंबी चौड़ी साड़ी है, सो प्लीट्स भी बहुत ज़्यादा मेरे आए हैं। अब मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी, अच्छे से अगर हम सेट नहीं करेंगे तो फुला फुला लुक सामने से आएगा, सो इसको सेट करना ज़रूरी है। हाथ से हम अच्छे से इसको प्रेस करेंगे, और एक यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन लगाऊंगी। नीचे के जो प्लीट्स है उसको भी मैं अच्छे से सेट करूँगी, नहीं तो सामने से एकदम ज़्यादा फुला फुला लुक आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। सो एक एक करते हुए सारे प्लीट्स को हमें लेना है और हाथ से इसको प्रेस कर सेट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सारे प्लीट्स को बना लिया है, और एक एक हमारी जो प्लीट्स है वो निखर कर दिखाई दे रही हैं। अब ये वाले प्लीट्स हम कमर में टक कर देंगे, और टक करने के बाद आप देख सकते हैं जो पल्लू की प्लीट्स है सो वहाँ पर रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे। यहाँ पर एक पिन लगा कर मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी, दिखाई देगा फिर वो। अब यहाँ पर देखिएगा प्लीट्स हमारे कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं, और एक एक प्लीट्स हमारी निखर कर दिखाई दे रही हैं। सो इस तरीके का लुक हमें सामने से चाहिए, और यहाँ पर भी पल्लू के जो प्लीट्स है वो भी रिंकल्स यहाँ पर आए हैं, तो इसकी वजह से ये भी लुक बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखिएगा ऊपर की तरफ जो पल्लू बनाते वक्त मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी वो निकाल दी, और ये वाला जो बॉर्डर है नीचे का सो इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पर हम इसको कमर में टक कर देंगे, या फिर सेफ्टी पिन लगाकर आप इसको सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ पर पल्लू आएगा तो दिखाई भी नहीं देगा। तो देखिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर टक ही कर दिया। बाद में जो पल्लू के प्लीट्स को हमने पिन लगाई थी वो मैंने निकाल दी है। अब ये वाला जो साड़ी का कॉर्नर है उसको हम लेंगे, और इसको भी मैं अभी साड़ी की जो बॉर्डर है उसके नीचे, जो पल्लू की बॉर्डर है उसके नीचे मैं इसको सेट करूँगी। ये ट्रैपिंग भी बहुत सुंदर लगती है, इसको भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सुंदर लुक हमारा इस पर भी आता है। तो ये बंगाली का ही न्यू वर्जन है, और एक यूनिक लगता है। नीचे से जो प्लीट्स हम बनाते हैं सो एकदम अच्छे से हमारे प्लीट्स जो है तो नीचे से दिखाई देते हैं, इसकी वजह से इसकी जो ट्रैपिंग है वो बहुत ही सुंदर लगती है। सो आपको कौन सा लुक पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।